गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, हम जो फूड लेते हैं वो फूड प्लांट और जो भी फूड हम, जैसे एनिमल हो गए या प्लांट हो गए, जो भी फूड अगर कोई प्लांट ले रहा है या कोई एनिमल ले रहा है, तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो किस सिस्टम के थ्रू वो जो फूड है या वो फूड के थ्रू जो एनर्जी जाती है वो कैसे जाती है और कौन सा सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने अपने बुक निकाल लो और उसके अंदर जैसे मैं रीड करता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वैसे रीड करना है। ओके, तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस तो मैं बता चुका हूँ, जो सब्सटेंस मतलब फूड, फूड का जो मूवमेंट है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से होता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर चैप्टर्स में, यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं, मल्टीसेल्यूलर क्या होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, एंड द ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन मेड मल्टीपल सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है यूनिसेल्यूलर, जैसे अमीबा है, यहाँ इस पिक्चर्स में आप देखते हो अमीबा है, ये जो फूड है ये जेली टाइप, ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी फूड रहता है ये, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू जो है अपना फूड को अंदर लेता है और उसको फिर डाइजेस्ट करता है। तो आपको डिफ्यूजन क्या होता है ये आपको जो है याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को अंदर लेते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में यूनिसेल्यूलर के अलावा जो है पूरा चैप्टर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड है। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स पर ज़्यादा डिस्कस किया गया है चैप्टर के अंदर। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। ओके, तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग में एक पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है जिसके लिए उनके अंदर एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है सब्सटेंस को या हमारे फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए, है ना। दैट इज़ समटाइम्स कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहीं कहीं बार उसे हम कह देते हैं। ओके, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ह्यूमन बींग्स में जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो होता है आपका सबसे पहले ब्लड के थ्रू। आपके शरीर में जो ब्लड रहता है वो आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में रोटेट होता रहता है, ब्लड के अंदर ही आपका फूड रहता है और वही फूड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रोटेट होता रहता है। तो आपका जो फूड है बॉडी के ईच ऑर्गन को मिलता रहता है। ठीक है, तो ब्लड जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स और हार्ट, तो ये तीन पार्ट जो है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, बट ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ जो है आर्टरीज और वेन के बारे में हम अगले वाले उस पोर्शन में डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली मेजरली ब्लड क्या होता है इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज ब्लड, देन यू हैव टू से दैट ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ओके, तो ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो है ब्लड के हार्ट के थ्रू पंप होता है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है जिससे ब्लड जो है रोटेट करता रहता है और ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट में आपका पहुंचता रहता है। ओके, अब कोई पूछ ले आपसे कि ब्लड जो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का मतलब होता है ब्लड जो है आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, तो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है आपका, तो इसमें फर्स्ट आता है आपका RBC विच इज़ कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, एंड द अदर वन इज़ WBC वाइट ब्लड। अच्छा, इसको RBC रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉपसेल्स, WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड कॉपसेल्स, थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। ओके, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं फूड के अलावा, हम ऑक्सीजन भी तो लेते हैं,
तो जो ऑक्सीजन को जो है हर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका रहता है, वो रेड ब्लड सेल्स का रहता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके ब्लड का जो कलर है वो रेड किसके कारण रहता है, वो RBC के कारण ही रहता है। ओके, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल जो जंप बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके लिए उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई WBC को जो है सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स जो है प्लेटलेट्स आर द मच स्मॉलर देन आर WBC। 1 cubic millimeter ऑफ बॉन्ड कंटेन द 250,000 प्लेटलेट्स। देयर फंक्शन इज टू हेल्प बॉडी टू क्लॉट। ओके, बेसिकली प्लेटलेट्स का जो काम होता है क्लॉट बनाने का काम होता है। आपको जैसे समटाइम्स आप खेल रहे हो या कुछ आपको इंजरी हो जाती है, इंजरी होते टाइम अगर आपके बॉडी से ब्लड निकलने लग जाता है तो वो जो ब्लड है, समटाइम्स आपने देखा होगा 2 मिनट ब्लड निकलने के बाद वो ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। वो क्लॉटिंग किस कारण बनती है, प्लेटलेट्स के कारण बनती है। ओके, तो आपके ब्लड के अंदर 4 तरह की चीज़ें पाई जाती है। फर्स्ट इज़ RBC, WBC एंड थर्ड इज़ प्लेटलेट्स और फोर्थ इज़ प्लाज्मा। आपके ब्लड का 90% भाग जो है प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ रहता है। ओके, बेसिकली क्या होता है, येलो कलर का सब्सटेंस रहता है जिसके अंदर आपके कई सारे सब्सटेंस रहते हैं, जैसे ग्लूकोज रहता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस रहते हैं। ओके, तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ब्लड आपका 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, फर्स्ट इसके अंदर आता है, इट कैरीज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी। ओके, ये तो सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्लड जो है ब्लड के अंदर RBC पाई जाती है और RBC जो है ऑक्सीजन को हर पार्ट तक लेके जाने का काम करती है आपका। अगला, इट कलेक्ट CO2 टू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ओके, ये क्या करती है, हमारे बॉडी पार्ट से CO2 को कलेक्ट करती है और लंग्स को भेजती है, और लंग्स के थ्रू हम जो है CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ओके, अगला है आपका, इसमें एक और जो है, ब्लड इज़ द व्हीकल फॉर द मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन। हम जो खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज है, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो भी है, ये हर बॉडी पार्ट को कौन पहुँचाता है, ब्लड ही पहुँचाता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है हमारा टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है। तो ये ब्लड के फंक्शन थे, ये आपको याद रखने हैं। अगला आता है आपका ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है आपकी बॉडी में डायरेक्टली नहीं पहुंचाता है, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जिन पाइप्स के थ्रू वो फ्लो होता है उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना इन द बॉडी नोन एज द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल बोलते हैं। दीज ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। देर आर 3 types ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर बॉडी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन आर बॉडी, विच इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स अगर आपसे कोई पूछ ले कितने टाइप की होती है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड वेसल्स जो है 3 types की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, तो आर्टरीज बेसिकली क्या होती है, ब्लड वेसल का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, आर्टरी आप देख सकते हो। आर्टरी जो है एक मोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके नैरो होता जाता है आगे जाके, और कई सारी आर्टियोल्स में डिवाइड हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हो आर्टरी जो है बिल्कुल रेड कलर की है, फिर उसके बाद आगे देखोगे तो यहाँ कलर चेंज हो जाता है, एंड वेंस में देखोगे तो वापस कलर वहाँ पर चेंज हो जाता है। ये कलर क्यों चेंज हो जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी द आर्टरीज, व्हाट इज आर्टरीज। आर्टरीज आर ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो है ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है, आर्टरीज। मतलब हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई हो। तो ऑक्सीजन जो घुली हुई है वो ऑक्सीजन मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, और वो ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो वो आर्टरीज याद रखनी है, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, और इसकी वॉल जो है वो थिक पाई जाती है और थोड़ी इलास्टिक होती है।
और ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। अब वो इसकी जो है वॉल जो है थिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब हार्ट से ब्लड पास होता है तो काफ़ी हाई प्रेशर में पाया जाता है, तो क्या है उसके लिए जो वेसल्स है वो थोड़ी मोटी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आर्टरीज वो वहाँ से फट भी सकती है और फिर वहाँ से ब्लड का लीकेज होना स्टार्ट हो सकता है एंड देट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, तो ये आपको याद रखना, दो चीज़ इसके बारे में याद रखनी है, एक तो जो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है, सेम इसका अपोजिट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वेंस लेके जाती है हार्ट तक, हार्ट जो है पंप करने का काम करता है। तो डी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो जो ब्लड है कहाँ, वो ब्लड किन के थ्रू फ्लो होगा, वो फ्लो होगा वेंस के थ्रू। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, वेंस लेके जाएगी। ओके, तो वेंस में ये है आपका। इसके बाद आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज अब आपने देखा होगा आर्टरीज और वेन के बाद एक वेब पाया जाता है ट्यूब्स का, इनको ही क्या बोलते हैं अपन, इनको ही अपन बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी ब्लड वेसल बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर सो थिन दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर केमिकल सब्सटेंसेस टेक प्लेस वेरी इजीली, फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो जो है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो ट्यूब एक नेटवर्क पाया जाता है ब्लड वेसल्स का, उसको बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर हार्ट का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हार्ट इज अ फिस्ट साइज स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन होता है, हार्ट क्या होता है मुट्ठी की तरह का आकार रहता है उसका, मस्कुलर ऑर्गन रहता है। देर इज नो बोन इन आर हार्ट, इज कॉनिकल इन शेप एंड इज सिचुएटेड इन चेस्ट टू अ लिटिल लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड में रहता है। हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम एंड ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच फैसिलिटेट्स सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। बेसिकली हार्ट का जो काम रहता है, जो ह्यूमन ब्लड रहता है उसको पंप करने का काम रहता है, और जो है हार्ट कीप बीटिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जो है हार्ट जो है पूरी हमारी पूरी लाइफ टाइम जो है वो क्या बीट करने का काम करता है। ओके, इट इज़ द सेंटर इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पूरी पूरे बॉडी में जो है सब्सटेंस को पहुंचाने का काम तो ब्लड करता है, लेकिन ब्लड भी किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, वो हार्ट के थ्रू। हार्ट अगर ब्लड को पंप करना ही बंद कर देगा तो फूड जो है हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचेगा एंड आफ्टर सम टाइम वी विल गेट टायर्ड। ओके, तो हार्ट के जो है चार चैम्बर्स पाए जाते हैं, वो आपको नाम याद रखने हैं, चार चैम्बर्स, जिसके अंदर दो तो ऑरिकल पाए जाते हैं जो अपर साइड ऑफ द हार्ट रहते हैं, और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में दो ऑरिकल ऊपर पाए जाते हैं और लेफ्ट और राइट में दो वेंट्रिकल नीचे पाए जाते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है ना, और ये जो है बीच में सेप्टम के थ्रू, आप ये दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल किसके थ्रू सेपरेट रहते हैं, वो सेप्टम के थ्रू सेपरेट रहते हैं। इसका ज़्यादातर सोर्सेस आपके 10th क्लास में होगा तो आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट बीट क्या होती है वो याद रखना पड़ेगा, द रेगुलर ये राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल ये आपको याद रखना है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपको याद रखना है, ठीक है। हार्ट बीट एंड पल्स क्या होती है, तो हार्ट बीट होती है द रेगुलर, हमारा जो हार्ट है, हार्ट है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और फिर उसके बाद रिलैक्स होता है, मतलब वो थोड़ा सा पिचक जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा वापस उसमें रिलैक्सेशन आता है क्योंकि एयर आती है और एयर जाती है, जिस कारण जो है एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को क्या बोलते हैं अपन, हार्ट बीट बोलते हैं। ओके, उस हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक एपरेटस आता है जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो आपको इस तरह का एपरेटस आपको देखने को मिलता होगा, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, इसको बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या मेजर करता है, हार्ट बीट या पल्स रेट को मेजर करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला पोर्शन आपका यहीं ख़त्म होता है, इसके आगे वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।